हेलो फ्रेंड्स, लेट्स डू दिस सिंपलीफाई। ये सिंपलीफाई के अंदर डिज़ाइन बनानी ज़रूरी है, राइट? डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, ये थ्री फाइव के साथ भी है, ये थ्री रूट थ्री के साथ भी है, ये रूट सेवन फाइव के साथ भी है, ये रूट सेवन रूट थ्री के साथ भी है, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्री इंटू फाइव, ठीक है? फिर थ्री रूट थ्री के साथ भी है तो थ्री इंटू रूट थ्री, राइट? अब ये प्लस साइन क्यों आया, तो इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस, सो प्लस प्लस प्लस, इसीलिए यहाँ पे प्लस आया, ठीक है? ये दोनों का किया, फिर ये दोनों का किया, बीच में प्लस। अभी सब जगह प्लस ही लिखना है। अभी रूट सेवन इंटू फाइव, ठीक है? फिर रूट सेवन इंटू थ्री, सब जगह प्लस लिखना है। ये साइन उसके साथ ब्रैकेट में बता देना है, ठीक है? अब ये फिफ्टीन, ये थ्री रूट थ्री, प्लस माइनस माइनस, अभी तक ओके, अभी मैंने प्लस ही रखा है, नेक्स्ट स्टेप में माइनस करेंगे। ये रूट सेवन इंटू फाइव, सो फाइव रूट सेवन, नेगेटिव साइन अभी ऐसा का ऐसा है, इसमें भी नेगेटिव साइन ऐसा का ऐसा रखते हैं। अभी रूट रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट ट्वेंटी वन। इधर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि फाइव पे रूट नहीं था, तो फाइव रूट सेवन, इधर दोनों रूट में, ठीक है? अभी हम साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। सो दिस इज माई आंसर, इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सेम हियर, लेट्स कम ओवर हियर, लेट्स मेक द डिजाइन। रूट 18 जो है वो रूट 2 के साथ भी है, रूट 18 जो है वो रूट 15 के साथ भी है, रूट 5 जो है वो रूट 2 के साथ भी है, रूट 5 जो है वो रूट 15 के साथ भी है। नाउ लेट्स डू दिस। सो रूट 18 इंटू रूट 2, राइट, प्लस रूट 18 इंटू माइनस रूट 15, साइन के साथ लिखना है, प्लस माइनस रूट 5 इंटू रूट 2, प्लस माइनस रूट फाइव इंटू माइनस रूट फिफ्टीन, ठीक है? ओके, नाउ ये दोनों रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों भी रूट में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों का हो गया, सॉरी, ये 18 रूट 15 का हो गया, ये दोनों का, ये दोनों भी रूट के अंदर है तो ये भी हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई में आप क्या ध्यान रखेंगे, पूरी एक टर्म का सिंप्लीफाई करना है। जैसे ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ये तीसरी टर्म हो गई, जहां पे प्लस माइनस आता है वहां से नई टर्म शुरू होती है, और ये लास्ट टर्म हो गई, ठीक है? तो अभी इसका सॉल्व हो गया, इसका सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा रूट टेन, ठीक है? ये हो जाएगा 75 रूट 75, ठीक है? और ये माइनस माइनस हो गया प्लस। अभी 36 का रूट 6, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। नाउ 270 के स्मॉलेस्ट पार्ट कर दिए, कैसे, फैक्टर ट्री बना के, ठीक है? इसको एलसीएम नहीं बोलते, फैक्टर ट्री बोलते हैं, सब स्टूडेंट्स इसे एलसीएम बुलाते हैं, दिस इज अ फैक्टर ट्री। एलसीएम में क्या होता है, दो तीन नंबर साथ में होते हैं, 20, 10, 30, लाइक दैट, इसमें एक ही नंबर है, सो दिस इज अ फैक्टर ट्री। 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, 5 2 10, 5 7 35, 3 9, 3 3, 3 1, सो तीन बार तीन, एक फाइव एक दो। अभी इसके आगे टेन के पार्ट्स नहीं किए, टेन के पार्ट्स क्यों नहीं किए, क्योंकि टू फाइव टेन उसमें टीम नहीं बन रही, इसमें टीम बन रही है। देखो 75, 75 के पार्ट्स करेंगे तो 355, इसमें टीम बन रही है इसीलिए उसके पार्ट्स किए, ठीक है? ओके, अभी इसमें ये सिक्स, इसमें बाहर कौन आएगा, तो ये थ्री, ये थ्री टीम बन गई, बाहर आएगा और कोई की टीम नहीं बन रही है, तो बाकी सब रूट के अंदर। टू थ्री जा सिक्स, फाइव जा थर्टी, 10 रूट के अंदर, इसमें 5 रूट के बाहर आएगा, इसमें सॉरी ये रूट 10 मैंने कॉपी किया, हाँ अभी ये 5 बाहर आएगा, ठीक है? और ये रूट वही, ठीक है? अभी ये आप सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो, राइट? शायद आपका आंसर मेरे साथ मैच हो जाए, सही हो जाए, ठीक है? अगर यहाँ पे प्लस होता ना, प्लस तो हम ये नहीं करते, जैसे हमने आगे पेज पे किया था, सिंपल ब्रैकेट लीव कर देते, अगर कुछ साइन नहीं है तो एज्यूम कि वो मल्टीप्लाई है। 7 इंटू 5, राइट, फर्स्ट स्टेप, 7 इंटू रूट 10, नेक्स्ट स्टेप, 3 रूट 2 इंटू 5, 3 रूट 2 इंटू 10, नाउ दिस इज 35, दिस इज 7 रूट 10, दिस इज 5, दिस आर 15 रूट 2, इसमें रूट के बार बार का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 रूट रूट वाले का मल्टीप्लाई, रूट 10, रूट 2, रूट 20। अभी 35, ये 10 के पार्ट्स नहीं किए क्योंकि कोई बाहर नहीं आएगा, 2 के पार्ट्स नहीं किए क्योंकि कोई बाहर नहीं आएगा, 20 के किए, 2 बाहर आ जाएगा उसमें, सो दिस इज कॉपीड हियर, 2 बाहर आएगा, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा,
तो ये फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 6√5, ठीक है, इसमें और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, दिस इज माई आंसर। सो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी, आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ध्यान से करोगे, एक ही सम्स दो तीन बार ट्राई करोगे, सो यू कैन डू द बेटर विद दिस सिंप्लीफिकेशन ऑल्सो। आई होप यू फाइंड माई वीडियोज यूजफुल। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।